गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. एक्सपेरिमेंट नंबर 27. टू एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ सेरम अल्कलाइन फॉस्फेट इन गिवन सैंपल ऑफ सेरम बाय किंग आर्मस्ट्रांग मेथड. लास्ट प्रैक्टिकल में हमने सेरम सैंपल में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी एस्टिमेट की थी. एंड देन एक्सपेरिमेंट नंबर 27 वी हैव टू एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेट. ओके, वी हैव द एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ सेरम अल्कलाइन फॉस्फेट बाय किंग आर्मस्ट्रांग मेथड. सो सी फर्स्टली फॉस्फेटेज एस ई एस सफिक्स दैट इज उसे हम कहते हैं एंजाइम. ओके, सो फॉस्फेटेज आर ग्रुप ऑफ एंजाइम कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू हाइड्रोलाइज ऑर्गेनिक फॉस्फेट. देर आर थ्री सी फर्स्ट क्लिनिकली थ्री टाइप्स ऑफ फॉस्फेट आर रिकॉग्नाइज. फर्स्टली अल्कलाइन फॉस्फेट ऑफ सेरम बोन लीवर विद ऑप्टिमाइज पीएच 9.8. नेक्स्ट सेकेंड इज एसिड फॉस्फेट ऑफ प्रोस्टेट लीवर एंड सेरम विद ऑप्टिमम पीएच 4.9. एंड थर्ड इज रेड सेल फॉस्फेट विद ऑप्टिमम पीएच 5.5 to 6. ओके, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉस्फेट आर रिकॉग्नाइज. अल्कलाइन फॉस्फेट है ऑफ सेरम बोन लीवर का, एसिड फॉस्फेट ऑफ प्रोस्टेट लीवर एंड सेरम, एंड थर्ड इज रेड सेल फॉस्फेट विद ऑप्टिमम साइमल्टेनियसली पीएच 9.8, 4.9 एंड 5.5 to 6. ओके, सो सेकेंड कंसेप्ट इज द अल्कलाइन फॉस्फेटेज. ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन ऑल टिश्यू ऑफ बॉडी. हमारे बॉडी के हर टिश्यू में अल्कलाइन फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है. नॉर्मली इट ऑकर्स एट अ हाई लेवल्स इन किडनी ट्यूबल्स. हमारे किडनी के ट्यूबल्स में उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है. इंटेस्टिशन एपिथेलियम बोन प्लासेंटा एंड लीवर इन सब में जैसे बॉडी के हर टिश्यू में अल्कलाइन फॉस्फेट रहता है, लेकिन हमारे किडनी ट्यूबल्स इंटेस्टिनल एपिथेलियम बोन प्लासेंटा एंड लीवर इसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है. सो दिस एंजाइम इज एसोसिएटेड विद कैल्सिफिकेशन प्रोसेस इन बोन्स एंड विद लिपिड ट्रांसपोर्ट इन इंटेस्टाइन. ठीक है, सो ये जो एंजाइम है इज एसोसिएटेड विद कैल्सिफिकेशन प्रोसेस. ओके, एंजाइम associated with calcification process हमारे बोन में इन बोन्स एंड विथ लिपिड ट्रांसपोर्ट इन इंटेस्टाइन. ओके, हमारे इंटेस्टाइन में लिपिड ट्रांसपोर्ट करता है एंड हमारा बोन कैल्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए वो associate करता है. ठीक है, बोन कैल्सिफिकेशन करता है एंड इंटेस्टाइन में लिपिड ट्रांसपोर्ट करता है. सो द फॉर्म प्रेजेंट इन सेरम ऑफ नॉर्मल अडल्ट ओरिजिनेट्स मेनली इन लीवर विथ अबाउट 50% ऑफ टोटल एक्टिविटी कमिंग फ्रॉम स्केलेटन. ओके, द फॉर्म प्रेजेंट इन सेरम जो हमारे सेरम में प्रेजेंट है ऑफ नॉर्मल अडल्ट में ओरिजिनेट्स मेनली इन लीवर विथ अबाउट 50% ऑफ टोटल एक्टिविटी कमिंग फ्रॉम स्केलेटन. ठीक है, हमारे जो बोन्स वगैरह स्केलेटन उसकी जो एक्टिविटी रहती है सो 50% तक रहती है. नेक्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ सेरम अल्कलाइन फॉस्फेट. अल्कलाइन सेरम अल्कलाइन फॉस्फेट एस्टिमेशन आर ऑफ इंटरेस्ट इन डायग्नोसिस ऑफ टू ग्रुप ऑफ कंडीशन. फर्स्ट इज हेपेटोबिलेरी डिसीज एंड सेकेंड इज बोन डिसीज एसोसिएटेड विद इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी. ठीक है, सो सेरम अल्कलाइन फॉस्फेट एस्टिमेशन आर ऑफ इंटरेस्ट इन डायग्नोसिस ऑफ टू ग्रुप कंडीशन. सो जो हमारा फॉस्फेट है अल्कलाइन फॉस्फेट वो एज अ डायग्नोसिस करते हैं टू कंडीशन. फर्स्ट वो हमारी हेपेटोबिलियरी हेपेटिक मतलब हमारे लीवर रिलेटेड. ठीक है, सो हेपेटिक डिसीज डायग्नोस करता है डायग्नोस दैट मीन्स टू एग्जामाइन. एंड सेकेंड इज बोन डिसीज एसोसिएटेड विद इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी. सो हमारे बोन डिसीजेज एंड हमारे लीवर डिसीजेज को डायग्नोस करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज मॉडरेटली एलिवेटेड लेवल्स आर ऑब्जर्व इन हेपेटिक कंडीशन. मॉडरेटली एलिवेटेड लेवल्स आर ऑब्जर्व इन हेपेटिक कंडीशन. नेक्स्ट ऑस्टियोमालेसिया
ठीक है। सो ये डायग्नोसिस करता है हेपेटिक कंडीशन, ऑस्टियोमालेसिया एंड रिकेट्स। ऑस्टियोमालेसिया एंड रिकेट मतलब वीकल्स एंड सॉफ्टन द बोन्स। हमारे बोन जो रहते हैं वो स्टीफनेस ऑफ हो जाता है, वीक होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी हमारे बोन कैल्सिफिकेशन के लिए, बोन फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल रहते हैं, रिक्वायर रहते हैं। सो यदि विटामिन डी की डिफिशियंसी हुई तो ये ऑकर होता है, ये कंडीशन ऑकर होते हैं ऑस्टियोमालेसिया एंड रिकेट्स। रिकेट्स आर ऑकर ऑफ, ठीक है, ऑकर बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट इज हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म दैट इज दी दैट कंडीशन, इन दैट कंडीशन ओवर सिक्रेशन और टू मच एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। ओके, जो हमारा थायरॉइड ग्लैंड रहता है, जैसे कि हम हाइपर थायरॉइडिज्म कहते हैं, हाइपर थायरॉइडिज्म मतलब हमारा थायरॉइड ग्लैंड ओवर टू मच सिक्रेशन करता है या फिर ओवर एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। सो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म दैट मीन्स द कंडीशन बिकम, इन दैट कंडीशन हाइपर पैराथायरॉइडिज्म ओवर एक्टिविटी एंड टू मच सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, एंड इन दैट हाइपर पैराथायरॉइडिज्म कैल्शियम लेवर इंक्रीज इन ब्लड इज कॉल्ड एज हाइपर कैलेमिया। हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवर नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एक्सेस अमाउंट में, सो उसे कहते हैं हाइपर कैलेमिया। ठीक है, नेक्स्ट द इलेवेशन आर मोर मार्क इन पोस्ट हेपेटिक कंडीशन, वेरी हाई लेवल आर फाउंड इन बोन कैंसर। ये कंडीशन ऑकरते बोन कैंसर। नेक्स्ट है सेरम अल्कलाइन फॉस्फेट इज डिक्रीज इन क्रिटिनिज्म। ये जो हमने कंडीशन देखे, जब मॉडरेटरी इलिवेटेड मतलब इंक्रीज हो जाते हैं, इलिवेटेड लेवल्स आर ऑब्जर्व इन हेपेटिक कंडीशन। यदि इंक्रीज हो रहा है अल्कलाइन फॉस्फेट तो हमारा बोन्स वीक हो जाते हैं, हेपेटिक कंडीशन ऑकर होते हैं, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म ऑकर होता है, बोन कैंसर ऑकर होता है एंड सेरम अल्कलाइन फॉस्फेट इज डिक्रीज। यदि ब्लड में हमारा अल्कलाइन फॉस्फेट नॉर्मल से कम हो रहा है, जब बढ़ रहा था तो ये कंडीशन ऑकर हुई, हमारा लीवर का कंडीशन, लीवर डिसीज, बोन डिसीज, थायराइड डिसीज, ठीक है, एंड बोन कैंसर, ये कंडीशन ऑकर हुई। और यदि सेरम अल्कलाइन फॉस्फेट नॉर्मल से कम हो रहा है, उसकी वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये कंडीशन ऑकर होती है क्रिटिनिज्म। सो क्रिटिनिज्म दैट इज दी दैट इज कंडीशन हाइपोथायरॉइडिज्म। क्रिटिनिज्म दैट मीन्स हाइपोथायरॉइडिज्म। सो इन दैट थायराइड सिक्रेशन, थायराइड ग्लैंड इज डिक्रीज देन नॉर्मल। क्रिटिनिज्म दैट मीन्स हाइपोथायरॉइडिज्म। इन दैट कंडीशन थायराइड ग्लैंड सिक्रेट एज अ हार्मोन दैट इज थायराइड इज डिक्रीज देन रिक्वायरमेंट। ओके, नॉर्मल से रिक्वायरमेंट से नेसेसरी से कम वो एज अ थायराइड हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज द हाइपोथायरॉइडिज्म एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिनिज्म। एंड क्रिटिनिज्म जनरली ऑकर्स इन आयोडीन डिफिशियंसी न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान यदि बेबी को आयोडीन डिफिशियंसी का फूड, यदि इनसफिशियंट फूड यदि बेबी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिले, दैट इज, सो ये कंडीशन ऑकर होती क्रिटिनिज्म। दैट मीन्स मेंटली एंड फिजिकली ग्रोथ रिटार्डेशन, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिनिज्म। नेक्स्ट इज स्कर्वी। स्कर्वी इज द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। सो स्कर्वी इज द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। इन दैट स्कर्वी देर आर द सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स। ओके, नेक्स्ट इज दी स्किन रैशेस, रेड स्पॉट, नेक्स्ट फैटिग वगैरह, मालाइज, नेक्स्ट इज वीकनेस वगैरह। ओके, सो ये सिम्टम्स स्कर्वी के एंड दिस ऑकर्स बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। सो
यदि सेरम अल्कलाइन फॉस्फेट डिक्रीज होता है तो क्रिटिनिज्म ऑकर होता है, स्कर्वी ऑकर होती है एंड सेवर एनीमिया ऑकर होते हैं. दैट इज द डिफिशियंसी ऑफ आरबीसीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. देन इज द क्वाश्चारकोर. क्वाश्चारकोर इज द प्रोटीन मालन्यूट्रिशन. ठीक है, क्वाश्चारकोर में हमारे प्रोटीन्स वगैरह की डिफिशियंसी होती है, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन. इसमें भी मेंटली एंड फिजिकली ग्रोथ रिटार्डेशन होती है. जिस एरिया में क्वाश्चारकोर नॉर्मली जो जियोग्राफिकल एरियाज रहती है, जैसे कि कोई आदिवासी वगैरह, उनमें कंडीशन ऑकर होती है, उनमें जैसे फिजिकली भी ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है एंड नॉर्मली स्टमक ज़्यादा आगे आ जाता है. सो ये कंडीशन, दैट इज द क्वाश्चारकोर. मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ सेरम अल्कलाइन फॉस्फेट इंक्लूडिंग किंग एंड आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड यूजिंग 4-अमाइनो एंटीपायरिन पैरानाइट्रोफिनिल फॉस्फेट पीएनपी मेथड. ओके, सो नेक्स्ट इज दिस कॉन्सेप्ट इज मेन हमारी जो मेथड है. मेथड कॉन्सेप्ट 4 इज किंग एंड आर्मस्ट्रॉन्ग यूजिंग 4-अमाइनो एंटीपायरिन. सो दिस इज द डाइसोडियम फिनिल फॉस्फेट इन रिएजन कलरलेस then convert into phenol. जो हमारा डाई सोडियम फिनिल फॉस्फेट इन रिएजेंट है, दैट इज कलरलेस, उसमें अल्कलाइन फॉस्फेट इन सेरम pH 10 हमें लेना है. देन एडिशन ऑफ फेनॉल इट कन्वर्ट इंटू 4-अमाइनो एंटीपायरिन. ठीक है, सो देन आफ्टर दैट एज अ कैटलिस्ट अल्कलाइन पोटेशियम फेरिक साइनाइड फाइनली इट प्रोड्यूस रेड कलर, दैट इज द रेड क्विनोन. क्विनिन डेरिवेटिव्स. नेक्स्ट इज एज यूजुअल हमें सोल्यूशन प्रिपेयर करने, ब्लाइंड सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, टेस्ट सोल्यूशन एंड इन दैट प्रैक्टिकल्स फोर्थ सोल्यूशन ऑल्सो प्रिपेयर, दैट इज द कंट्रोल सोल्यूशन. सो टेक फर्स्ट प्रिपेयर ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट एंड कंट्रोल एज अ मेंशन इन द फॉलोइंग टेबल. ठीक है, सो जैसे कि ब्लैंक सोल्यूशन बनाने के लिए टेक अ बफर pH 10 1.1 ml. नेक्स्ट एड डिस्टिल वाटर 1 ml एंड एड 0.5 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.5 ml. नेक्स्ट टेक 0.5 नॉर्मल सोडियम बाइकार्बोनेट 1.2 ml. नेक्स्ट टेक 4-अमाइनो एंटीपायरिन 1 ml एंड पोटेशियम फेरिसाइनेट 1 ml. ओके, नेक्स्ट. सो ये जो चार डीआई स्टैंडर्ड के लिए बफर्स pH 1.1 ml, फाइनल वर्किंग स्टैंडर्ड 1 ml, 0.5 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.5 ml, 0.5 नॉर्मल सोडियम बाइकार्बोनेट 1.2 ml, 4-अमाइनो एंटीपायरिन 1 ml एंड पोटेशियम फेरिसाइनेट 1 ml. एंड फॉर द प्रिपेयर ऑफ टेस्ट सोल्यूशन टेक बफर pH 1 ml. नेक्स्ट टेक 0.01 मोलर डाई सोडियम फिनिल फॉस्फेट 1 ml. नेक्स्ट टेक सेरम 0.1 ml. नेक्स्ट टेक 0.5 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.5 ml. नेक्स्ट टेक 0.5 नॉर्मल सोडियम बाइकार्बोनेट 1.2 ml. टेक 4-अमाइनो एंटीपायरिन 1 ml. टेक पोटेशियम फेरिसाइनेट 1 ml. एंड फाइनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल सोल्यूशन टेक बफर pH 10 1.1 ml. टेक 0.01 मोलर डाई सोडियम फिनिल फॉस्फेट 1 ml. टेक 0.5 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.5 ml. टेक सेरम 0.1 ml. टेक 0.5 नॉर्मल सोडियम बाइकार्बोनेट 1.2 ml. टेक 4-अमाइनो एंटीपायरिन 1 ml एंड टेक पोटेशियम फेरिसाइनेट 1 ml. सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सोल्यूशन एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल सोल्यूशन, ये चारों सोल्यूशन हमें बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल फॉर्मूला. ठीक है, सो उसमें ये जो यहाँ पे जो 3 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये जो फर्स्ट कॉलम में ये हमें जो इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, इट इज जो
उसे इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट। इंक्यूबेशन दैट इज मल्टीप्लीकेशन ग्रोथ के लिए पर्पज रहता है। जैसे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेकेंड प्रैक्टिकल में इंट्रोडक्शन दिया था इंक्यूबेशन का, जो कि लैबोरेटरी में है। इंक्यूबेशन दैट इज दी फॉर ग्रोथ पर्पज, जो हम जैसे माइक्रोबायोलॉजी कौन से भी सोर्स, जैसे सॉइल वाटर एयर वगैरह कौन से भी सोर्स से हम जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करते विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन। सो ग्रोथ जो जर्म्स वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, सो उनको भी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है। सो जो न्यूट्रिशन मीडिया वगैरह रहते हैं, आगर मीडिया वगैरह, और हमारा बैक्टीरिया वगैरह सोर्स को हम मिक्स करके इंक्यूबेट करते हैं फॉर 24 आवर्स वगैरह, एक दो दिन। सो वो बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ होती है, मल्टीप्लीकेशन होती है। हम उसे कॉलोनी फॉर्म करते हैं, उसमें मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उससे हम जैसे बैक्टीरिया की स्टडी कर सकते हैं। सो जैसे हमारा ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हुआ था एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, स्टार्टिंग में जब हमने लैबोरेटरी इंट्रोडक्शन लिया था। सो आपको ऑलरेडी हुआ है। सो ये जो ब्लाइंड स्टैंडर्ड टेस्ट कंट्रोल सॉल्यूशन प्रिपरेशन सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है आपको। सो ये पहले के 3-4 जो इंग्रेडिएंट है वो मिक्स करके आपको इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट के लिए। आफ्टर दैट ये दो तीन इंग्रेडिएंट ऐड करके प्रॉपर मिक्स करना है, एंड देन ये फाइनली लास्ट 2 ऐड करने है। देन आपके जो सोल्यूशन से फॉर ब्लाइंड स्टैंडर्ड टेस्ट कंट्रोल वो रेडी हो जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आपको करना है मिक्स ट्रूली आफ्टर इच कंडीशन एज फेलियर टू मिक्स लेट्स टू इरेगुलर रिजल्ट अवॉइड एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग सनलाइट, ओके। सनलाइट एक्सपोजर अवॉइड करना है। नेक्स्ट सेट फोटोइलेक्ट्रिक कोलोरीमीटर स्पेक्ट्रो फोटोमीटर एट ग्रीन फिल्टर 510 नैनोमीटर। जैसे हम लास्ट 5th to 6th प्रैक्टिकल से वही डिस्कस कर रहे हैं कि हम कोलोरीमीटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सेट करके एब्जॉर्बन चेक करना है। फोटोइलेक्ट्रिक कोलोरीमीटर दैट इज द कलर सेंसिटिव डिवाइस, जो वो कलर सेंसिटिव डिवाइस है, और एक लिक्विड सैंपल से लाइट पास करते हैं और एब्जॉर्बन मेजर कितने, जितना लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना एब्जॉर्बेंस की रीडिंग आएगी, मतलब उतना लाइट पास किया हुआ एब्जॉर्ब होगा, और प्लेन लिक्विड होगा तो वो लाइट ओमिटेड हो जाएंगे, ओके। सो वही ऑलरेडी हम हर प्रैक्टिकल में डिस्कस करते हैं, वही फोटोइलेक्ट्रिक कोलोरीमीटर हमें सेट करना है। फोटोइलेक्ट्रिक कोलोरीमीटर इज अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस एंड इन विच दी मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय पासिंग थ्रू अ लिक्विड सैंपल। हमें वही करना है जो हमारा हम प्रैक्टिकल्स है, डेट इज एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ सेरम अल्कलाइन फॉस्फेट इन गिवन सैंपल ऑफ सेरम। हमारे सेरम में अल्कलाइन फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्वांटिटी कितनी, वो हमें मेजर करनी है। सो हमारे कवर्ड में हमारा सेरम सैंपल लेना है, फोटो इलेक्ट्रिक कोलोरीमीटर में वो प्लेस करना है, एंड लाइट पास करने है थ्रू लिक्विड सैंपल, मतलब जो हमारा सेरम सैंपल है जितना एब्जॉर्बेंस होगा लाइट का उतना हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा। सो एडजस्ट 0% है, एडजस्ट 100% विद डिस्टिल वाटर। नेक्स्ट मेजर एब्जॉर्बेंस सब कैलकुलेट और कैलकुलेट एब्जॉर्बेंस बाय यूजिंग द फॉर्मूला इज इक्वल टू लॉग परसेंट ई फॉर ब्लाइंड स्टैंडर्ड टेस्ट कंट्रोल। जैसे कि हर प्रैक्टिकल में यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में हम एब्जॉर्बेंस के रीडिंग वैल्यू पुट करके फाइनल हमारा अमाउंट निकालते कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है। सो एब्जॉर्बेंस आया हमारा ब्लाइंड का ए बी मतलब बी मतलब ब्लाइंक एंड ए मतलब कैपिटल ए मतलब एब्जॉर्बेंस ऑफ ब्लाइंक, वो आया 0, ब्लाइंक का 0 आया। नेक्स्ट एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड एस फॉर स्टैंडर्ड एंड कैपिटल ए फॉर एब्जॉर्बेंस। सो एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड आया हमारा 0.15, ठीक है। नेक्स्ट एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट, सो
टी दैट मीन्स टेस्ट एंड कैपिटल ए दैट मीन्स एब्जर्वेंस. एब्जर्वेंस ऑफ टेस्ट इज इक्वल टू 0.95. नेक्स्ट इज द एब्जर्वेंस ऑफ कंट्रोल. सो स्मॉल सी दैट इज द कंट्रोल टेस्ट एंड कैपिटल ए इज द एब्जर्वेंस. सो एब्जर्वेंस ऑफ कंट्रोल इज इक्वल टू 0.12. सो कैलकुलेशन हमारा जो एज जो फॉर्मूला है क्वांटिटी ऑफ सेरम एल्कलाइन फॉस्फेट इन 0.1 ml सेरम इज इक्वल टू सीटी. ठीक है, सेरम एल्कलाइन फॉस्फेट की जो हमारी क्वांटिटी है 0.1 ml सेरम में, वो उसका दैट इज सीटी. मतलब क्या, क्वांटिटी ऑफ सेरम, सेरम एल्कलाइन फॉस्फेट. ठीक है, सो हमें वो निकालनी है सीटी. दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ सेरम अल्कलाइन फॉस्फेट हमारे 0.1 ml सेरम में कितना अल्कलाइन फॉस्फेट की क्वांटिटी. सो सेट इज इक्वल टू 80 माइनस ए सी ए अपॉन ए एस माइनस ए बी इंटू सी एस. सो वेल सी एस जो 80 है डेट इज द टेस्ट एब्जॉर्बर, सी ए डेट मीन्स द कंट्रोल एब्जॉर्बर, ए एस मतलब द एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंड एब्जॉर्बेंस ऑफ ब्लाय. ठीक है, एंड ए एस डेट मीन्स दी हमारा स्टैंडर्ड. वेल सी एस डेट मीन्स दी क्वांटिटी ऑफ फेनॉल इन 1 ml फेनॉल वर्किंग स्टैंडर्ड, वो हमारा स्टैंडर्ड है. तो स्टैंडर्ड की वैल्यू है 0.01 mg. ये चारों एब्जर्बेंस है, टेस्ट, सी डेट मीन्स दी कंट्रोल, एस मीन्स स्टैंडर्ड एंड बी मीन्स ब्लैंक. ये टेस्ट कंट्रोल स्टैंडर्ड ब्लैंक के एब्जर्बेंस है. ओके, ये वैल्यू जो वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन आएगा वो हमारा होगा क्वांटिटी ऑफ सेरम अल्कलाइन फॉस्फेट. और ये सी एस मतलब दे क्वांटिटी ऑफ फेनॉल इन 1 ml ऑफ फेनॉल वर्किंग स्टैंडर्ड जो कि है 0.01 mg. ओके, 0.01 mg. सो इन इट फॉर्मूला पुट दी वैल्यू दैट इज द As a enzyme activity is measured in Ka where 1 unit activity is which release 1 mg phenol in 15 minutes at pH 10/100 ml of serum. ये जो हमारा quantity of CS quantity of phenol the 1 ml phenol working standard 0.01 mg उसका as a enzyme activity is measured in K where 1 unit activity which release 1 mg phenol, ठीक है, 1 mg phenol in 15 minutes. सो हमारे 15 मिनट में 1 mg phenol रिलीज करता है एट pH 10 को by 100 ml ऑफ सेरम. 100 ml सेरम में 1 mg phenol 10 pH को 15 मिनट में वो 15 मिनट में वो 1 mg phenol रिलीज करता है. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सेरम अल्कलाइन फॉस्फेट इन 100 ml ऑफ सेरम हमें जो जो हमारा प्रैक्टिकल का एम है, टाइटल है, हमें सेरम में अल्कलाइन फॉस्फेट की क्वांटिटी इस्टीमेट करनी है, आइडेंटिफाई डिटरमाइन करनी है. सो हम पर 100 ml सेरम में इस्टीमेट करेंगे, मतलब 100 ml सेरम में कितना अल्कलाइन फॉस्फेट है वो हम इस्टीमेट करेंगे. ओके, 100 ml के लिए 100 ml में कितना हियर The absorbance value put की यहाँ पे 80 डेट मीन्स absorbance of test, absorbance of control, absorbance of standard, absorbance of blank. So 0.95, 0.12, 0.15 and 0 ये value put की into 10 के unit. So इसका जो calculation आया वो 55.33 units. ठीक है, so उसका जो observation आया 55.33 ये उसका ऑब्जर्वेशन आया. सो चारों ऑब्जर्वेंस टेस्ट स्टैंडर्ड कंट्रोल एंड ब्लैंक चारों ऑब्जर्वेंस हमने वैल्यू पुट की, उसका कैलकुलेशन किया. सो ये आया 55.33. सो ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट था तो उसका जो कैलकुलेशन आया कि 100 ml सेरम में 55.33 हमारा सेरम अल्कलाइन फॉस्फेट प्रेजेंट है. ठीक है, सो रिजल्ट एक्टिविटी ऑफ सेरम अल्कलाइन फॉस्फेट इन गिवन सैंपल ऑफ सेरम इज इक्वल टू 55.33 के यूनिट्स पर 100 ml. ओके, एंड नाउ सी
what is the normal value, normal range of serum alkaline phosphate. So see, normal range is 3 to 13 Ka units per 100 ml in adults. Adults में 313 Ka units per 100 ml में रहता है, मतलब 100 ml, 100 ml, 100 ml serum में 3 to 13 Ka units normal है and 18 to 33 Ka units per 100 ml in children. Children में 100 ml serum में 18 to 33 Ka units प्रेजेंट रहते हैं, ये है नॉर्मल रेंज. सो 18 से 33, 18 टू 33 चिल्ड्रन में रहते हैं एंड 3 टू 13 अडल्ट्स में रहते हैं पर 100 ml सेरम में. 100 ml सेरम में इतना नॉर्मल रेंज है, लेकिन ये 1800 मतलब 18 टू 33 ये ज़्यादा है 55. सो ये ज़्यादा है. ओके, सिंपल है. सिर्फ हमें हमारे ब्लड, हमारे सेरम में कितना सेरम अल्कलाइन फॉस्फेट की क्वांटिटी है वो हमें मेजर करनी है, और वो नॉर्मल रेंज मैंने बताई आपको कि अडल्ट में 3 टू 13 के यूनिट्स है एंड चिल्ड्रन में 18 टू 33 के यूनिट्स पर 100 ml रहता है. फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, जो हमारा रिजल्ट आया वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि यदि अल्कलाइन फॉस्फेट नॉर्मल से ज़्यादा हो गया ब्लड में तो कौन सी कंडीशन आकर रहती है, ब्लड कैंसर, सॉरी बोन कैंसर वगैरह, बोन डिसीजेज, रिकेट्स होता है, देन हाइपर पैराथायराइडिज्म, ये कंडीशन ऑकर होती है, हेपेटिक डिसीज ऑकर होता है. ओके, एंड यदि नॉर्मल से कम हो गया अल्कलाइन फॉस्फेट तो कौन सी कंडीशन ऑकर होती है, क्वाशरकोर, एनेमिया, स्कर्वी, क्रिटिनिज्म. ओके, क्रिटिनिज्म मतलब आयरन डिफिशियंसी के वजह से होना हमारी ग्रोथ फिजिकली एंड मेंटली रिटार्डेशन हो जाती है. स्कर्वी मतलब विटामिन सी की डिफिशियंसी से ऑकर होती है. क्वाशरकोर दैट मीन्स दी माल न्यूट्रिशन, ओके, इट इज़ ए प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीजेबल. सो ये कंडीशन ऑकर होती है. ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 27, जिसमें हमने सेरम में अल्कलाइन फॉस्फेट की क्वांटिटी हमें एस्टिमेट करनी थी. सो हमने अल्कलाइन फॉस्फेट देखा क्या है, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है. ओके, उसका इंट्रोडक्शन देखा कितने है, उसके एंजाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं, उसके थ्री टाइप्स देखे, वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है वो देखा. नेक्स्ट वो मेनली लीवर से ओरिजिनेट करता है एंड 50% एक्टिविटी स्केलेटन से देता है वो देखा. वो यदि अल्कलाइन फॉस्फेट नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गया तो उसकी डिसीजेज देखे, नॉर्मल से कम हो गया हमारे सेरम में तो उसको डिसीजेज देखे एंड फॉर द हेल्प ऑफ फार्मूला फाइनली वी हैव कैलकुलेट दी 55.33 के यूनिट्स एंड नॉर्मल रेंज इन द अडल्ट इज 3 टू 13 के यूनिट्स पर 100 ml एंड इन चिल्ड्रन 18 टू 33 के यूनिट्स पर 100 ml. ओके, थैंक यू.